नमस्कार, आपका स्वागत है। तो आज जो है, मैं आज एक मूवी जो के डायरेक्टर प्रवीण चतुर्वेदी जी ने 16 नवंबर 2022 को अपने यूट्यूब चैनल परचम पर जो है रिलीज़ की है, उसको जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं आप थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूँ। यानी कि बेसिकली ये मूवी जो है हमारे भारत के इंडिपेंडेंस के आसपास की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बेस है। मैं हिस्ट्री को साइड में रख के जो बेसिक जिस टॉपिक पर ये मूवी बनाई गई है, फोर स्टेजेस ऑफ आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वो जो चार मेन स्टेजेस होती हैं जिसमें एक पूरी की पूरी सोसाइटी को जो है वो किस तरह से आइडियोलॉजिकली सबवर्ट कर दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है डीमोरलाइजेशन। डीमोरलाइजेशन यानी कि जो बेसिक आपकी सिविलाइजेशन है उसी के ऊपर बार बार अटैक किया जाएगा। आपके जो भी मेजर आपकी आइडेंटिटी के जो मेजर पार्ट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। आपके आइडेंटिटिकल सिंबल्स जो हैं सिंबल्स पर अटैक किया जाता है। और इस तरह से आपको बेसिक एम इस स्टेज का ये होता है कि आप एक हिंदू जो है वो बिलीव करने लग जाता है कि जो हमारी सिविलाइजेशन है या जो हमारी आइडेंटिटी है इसमें इनहेरेंटली यानी कि पहले से ही कुछ ना कुछ इसमें इन्फीरियरिटी है, यानी कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है एक हिंदू के अंदर आ जाता है। दूसरा पार्ट जो है इस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का होता है डीस्टेबलाइजेशन। तो जब आप के अंदर इन्फीरियरिटी आ गई, आप अपने ही कल्चर से नफरत करने लग जाते हैं, तो इजी हो जाता है आप लोगों को जो है अपनी आपकी सोसाइटी को डीस्टेबलाइज करना। क्यों? क्योंकि आप अपने ही कल्चर के अगेंस्ट खड़े हो गए, आप अपनी ही सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के अंदर ऐसी छोटी छोटी सब सेक्ट्स खड़े कर देना, जैसे नियो अंबेडकराइट्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई। सब आइडेंटिटीज यानी कि आपकी जो मेजर आइडेंटिटी थी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी उसको छोड़कर आपके अंदर सब आइडेंटिटीज डाल देना, और फिर उस सब आइडेंटिटीज को लोग लेकर उसको लेकर लोग जो है अपने ही कंट्री के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो जाता है किस तरह से सोसाइटी को अंदर से ही डीमोरलाइज कर दिया, और डीमोरलाइजेशन के अंदर के कारण वहाँ पर डीस्टेबलाइजेशन कर दी उसी सोसाइटी के लोगों को, सोसाइटी के अगेंस्ट ही खड़ा करके उसी सोसाइटी को डीस्टेबलाइज कर दिया। तीसरा जो पार्ट है वो आता है क्राइसिस। देखिए, जब आपकी सोसाइटी के अंदर डीस्टेबलाइजेशन हो रही है, आपकी जो सोसाइटी है या आपका नेशन जो है वो स्टेबलाइज नहीं है, तो जो छोटे छोटे जो थोड़े थोड़े जो लोग होते हैं जो बेसिकली जो शरारती तत्व होते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है क्राइसिस का जो एक स्टेज लेके आना। जैसे कि आप भारत के अंदर आप देखेंगे CAA प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, हिजाब प्रोटेस्ट हुआ, ये क्या है? ये एक तरह से क्या है, ये एक क्राइसिस की तरफ लेके जा रहा है सोसाइटी को। बार बार ऐसे केसेस आना जिसमें जानबूझकर जहाँ पे दलित ऐसे केसेस उठाना जहाँ पे जो एक दलित है वो विक्टिम है उसको उछाल देना, लेकिन अगर कहीं पे जो है अपर कास्ट हिंदू या दूसरी किसी जो के उनके एजेंडे को सूट नहीं करता वो विक्टिम है तो उसको हटा देना। जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्सन जो है वो उसने गलत किया है उसको डिनाई करके उसकी जगह पर बोल देना कि ये एक फूड ब्लॉगर है, इस तरह की चीज़ें करना जिससे कि सोसाइटी के अंदर रोष यानी कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चौथा पार्ट आता है नॉर्मलाइजेशन। जब क्राइसिस हो गया, आपकी सोसाइटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन सुनने में लग रहा है कि ये नॉर्मलाइज हो जाएगी सोसाइटी, लेकिन क्या होता है कि जो बेसिक ट्रेडिशनल उस सोसाइटी का जो बेसिक उसकी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी होती है या जो उनके सिविलाइजेशन जो ईथोस होते हैं उनको डिनाई करके उसकी जगह पे कोई मार्क्सिस्ट, कोई इस्लामिस्ट, कोई क्रिश्चियन या कोई ऐसे लोग पावर में आ जाते हैं जिनका रूट के साथ, जिनका उस सोसाइटी के सोशल फैब्रिक से
कोई नाता नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। इस तरह से जो है एक सोसाइटी का आइडियोलॉजिकल सबवर्जन होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें बेसिकली प्रवीण चतुर्वेदी जी ने यही दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से 1947 से पहले ही हमारी सोसाइटी को डीमोरलाइज करके फिर डीस्टेबलाइज किया गया। फिर कुछ ऐसे लोग आ गए क्राइसिस में, कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको लोगों ने महात्मा की उपाधि दे दी, क्योंकि जब जब सोसाइटी डिस्टेबलाइज होती है तो वो एक उसकी मसीहा की राह देखती है। और वो जो मसीहा जब आते हैं वो प्लांटेड मसीहा होते हैं, तो फिर उनको उनके पीछे लग जाते हैं, उन वो जो बात कहते हैं उन्हीं उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो ये ब्लाइंड फॉलो जो आ गई है ना हमारी सोसाइटी में आज, ये भी कहीं ना कहीं हमारी डिरेसिनेटेड सोसाइटी है, इसीलिए आ रही है। तो इसी के साथ जो है मैं ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको बेसिक बेसिक जो है समझा दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर इन चारों पॉइंट्स पे एक बड़ी जो मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ वो करूँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। आई होप आपको ये छोटी वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये पसंद आई होगी। जय श्री राम।